हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स। दोस्तों आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के 2019 के बजट के बारे में। दोस्तों इस वीडियो को आप बहुत गौर से देखें, एग्जाम में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपको मध्य प्रदेश बजट से देखने को मिलेंगे। और दोस्तों इस वीडियो में मैंने टॉपिक वाइज एक एक पॉइंट आपको बताया है, तो दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों इसमें मैंने आपको विस्तार से और एक शॉर्ट तरीका है, शॉर्ट तरीका दोस्तों ऐसा है कि आप सिर्फ 6 या 7 पेज हैं पीडीएफ के, तो आप इनको स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकती हैं। इससे आप जब चाहे मध्य प्रदेश बजट 2019 के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों ये कंफर्म है, इस 2019 के बजट से या किसी भी बजट से एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे। दोस्तों मध्य प्रदेश का कुल बजट 2,33,000 करोड़ रुपए 2019 में रखा गया है। आपको ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है, मध्य प्रदेश का कुल बजट जो 2019 में रखा गया है वह 2,33,000 करोड़ रुपए का है। दोस्तों मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री हैं तरुण भनोट, जिन्होंने ये बजट हाल ही में पेश किया है। तो ये दो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट हुआ है, कुल बजट 2,33,000 करोड़ रुपए और दोस्तों वित्त मंत्री हैं तरुण भनोट जिन्होंने यह बजट पेश किया है। चलते हैं तीसरे टॉपिक पर। दोस्तों इस साल 5,922 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च किए जाएंगे वेतन पेंशन और ब्याज पर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, सिर्फ इन तीन चीजों पर, वेतन पेंशन और ब्याज पर, कुल 5,922 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च किए जाएंगे पिछले बजट के मुकाबले। दोस्तों ये जो कुल बजट का ये एक तिहाई हिस्सा है, यानी ये जो 5,922 करोड़ रुपए है यह कुल बजट का एक तिहाई हिस्सा है जो इन तीन पर जो है वो खर्च किया जाएगा। दोस्तों किसानों के हिस्से में 66% की वृद्धि की गई है, यानी दोस्तों जो कर्ज माफी वगैरह थी उसके लिए 66% की वृद्धि की गई है। कर्ज माफी के लिए कुल अलग से 8,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ये एक इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, कर्ज माफी के लिए जो कमलनाथ सरकार ने वादा किया था किसानों से, तो उसके लिए 8,000 करोड़ रुपए अलग से रखे गए हैं। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, किसानों की पूरी कर्ज माफी के लिए कुल पूरे 50,000 करोड़ रुपए चाहिए थे। दोस्तों अब ये एक डिफरेंट क्वेश्चन बन जाता है, पूरी कर्ज माफी के लिए चाहिए थे कितने, 50,000 करोड़ रुपए, और रखे गए हैं सिर्फ 8,000 करोड़ रुपए। तो दोस्तों देखिए कितना डिफरेंस है, जहां 50,000 करोड़ रुपए कर्ज माफ किए जाना था तो सिर्फ वहां पर 8,000 करोड़ रुपए कर्ज माफ किया जाएगा, इस बजट में ये प्रावधान किया गया है। दोस्तों 300 करोड़ रुपए का प्रावधान 7 शहरों में रखा गया है। ये 7 शहर कौन से हैं आपको इनके बारे में भी बता दें। तो दोस्तों जो केंद्र के द्वारा स्मार्ट सिटी घोषित किए गए हैं मध्य प्रदेश में, ये वो 7 शहर हैं और इन्हीं के लिए ये 300 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। दोस्तों अब ये कौन से 7 शहर हैं इनके नाम भी आपको जानना जरूरी है। तो मध्य प्रदेश के जो स्मार्ट सिटी शहर हैं वह है भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, उज्जैन और सतना। इन 7 जिलों के लिए स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया है केंद्र के द्वारा। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है, नगरीय विकास बजट में पिछले बजट के मुकाबले 28% की बढ़ोतरी की गई है। तो ये भी एक दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नगरीय विकास बजट के लिए, एक स्पेशल नगरीय विकास बजट के लिए कुल 28% की बढ़ोतरी की गई है। दोस्तों अब हम आपको बताएं, निम्न योजनाओं की राशि में वृद्धि की गई, वे योजनाएं जिनकी राशि में वृद्धि की गई है उनके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों युवा स्वाभिमान योजना, इसमें 150 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। वहीं बात करें मुख्यमंत्री नया सवेरा योजना की, तो इसमें 642 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। तीसरा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा योजना, इसमें 386 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। राइट टू वाटर, दोस्तों यहां पर टू नहीं है, यहां पर है टू, राइट टू वाटर के लिए 1,000 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है मध्य प्रदेश में पानी की बहुत समस्या हाल ही में बढ़ गई है, तो इसके लिए 1,000 करोड़ रुपए की वृद्धि अलग से राशि इसमें प्रदान की गई है 2019 के बजट में।
दोस्तों सरल बिजली बिल योजना, इसमें 300 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है अलग से। दोस्तों जय किसान कर्ज माफी स्कीम, इसमें 8,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं अलग से, जो योजना इनमें वृद्धि की गई है। इंदिरा गांधी ज्योति योजना में 7,117 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। वहीं बात करें मुख्यमंत्री बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण योजना में, तो कुल 100 करोड़ रुपए की वृद्धि इस योजना में भी की गई है। तो ये तो दोस्तों वो योजनाएं थी जिनमें वृद्धि की गई है। इसका स्क्रीनशॉट आप रख सकते हैं, आप इसको कभी भी पढ़ सकते हैं। तो ये कुल टोटल योजनाएं हैं जिनकी राशि में वृद्धि की गई है, इसके अलावा किसी भी योजनाओं की राशि में वृद्धि नहीं की गई है। दोस्तों अब बात करते हैं जो प्रोडक्ट की ब्रांडिंग मध्य प्रदेश सरकार करेगी उसके बारे में। तो दोस्तों सागर की चिरौंजी की बर्फी की ब्रांडिंग मध्य प्रदेश सरकार करेगी। दोस्तों सागर की चिरौंजी की बर्फी एक जो डिश है वह मिठाई है, जैसा कि आप जानते हैं बर्फी से आपको समझ में आ रहा होगा। यह 67 वर्षों से सागर में बन रही है, तो इसकी ब्रांडिंग मध्य प्रदेश सरकार देश विदेश में करेगी। दोस्तों बुंदेलखंड की मावा जलेबी, इसका प्रचार प्रसार भी मध्य प्रदेश सरकार देश विदेश में करेगी। दोस्तों आपको बुंदेलखंड के बारे में बता दें तो सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह और दतिया, ये सभी जिले मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है दोस्तों छतरपुर, टीकमगढ़ की पीतल के उत्पाद की ब्रांडिंग भी मध्य प्रदेश सरकार करेगी। दोस्तों इस बजट में इन सभी ब्रांडिंगों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार सजग है और इनकी ब्रांडिंग जरूर करेगी। दोस्तों इसके लिए जो बजट में अलग से प्रावधान किया गया है। दोस्तों वहीं बात करें भोपाल के बटुए की ब्रांडिंग भी मध्य प्रदेश सरकार करेगी देश विदेश में। मालवा के चूरमा लड्डू और बाटी की ब्रांडिंग भी मध्य प्रदेश सरकार करेगी। दोस्तों आपने दाल बाटी तो खाया होगा, तो यही चूरमा लड्डू और दाल बाटी की ब्रांडिंग मध्य प्रदेश सरकार करेगी। मुरैना की गजक और भिंडी के पेड़े, इसकी ब्रांडिंग भी मध्य प्रदेश सरकार देश विदेश में करेगी। दोस्तों चंदेरी की साड़ियां और महेश्वर की साड़ियां, ये प्रचलित साड़ियां हैं जो देश विदेश में बेची जाती हैं, तो इनकी और ज्यादा ब्रांडिंग मध्य प्रदेश सरकार करेगी। धार का बाघ प्रिंट कपड़ा, दोस्तों ये सिर्फ धार में ही मिलता है, तो यहाँ का बाघ प्रिंट कपड़ा, इसकी ब्रांडिंग भी मध्य प्रदेश सरकार करेगी जो धार में पाया जाता है। रतलाम, रतलाम में स्पेशल सेब पाया जाता है दोस्तों, और इसकी ब्रांडिंग भी मध्य प्रदेश सरकार देश विदेश में करेगी। तो ये सभी ब्रांडिंग दोस्तों देश विदेश में मध्य प्रदेश सरकार करेगी और इस बजट में इन ब्रांडिंग को लेकर प्रावधान और कुछ राशि प्रदान की गई है। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है इंदौर भोपाल एक्सप्रेसवे के बीच अल्ट्रा मेगा इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनेगा। इसको लेकर दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट आपको बता दें, तो इसमें इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन जो है वो लैंड पुलिंग पॉलिसी के तहत ली जाएगी। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसके लिए कुल 22,000 एकड़ भूमि टाउनशिप के लिए ली जाएगी। यहाँ पर दोस्तों टाउनशिप है, टाउनशिप के लिए 22,000 एकड़ भूमि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ली जाएगी। अब दोस्तों इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो ऐसे ही तो चालू कर नहीं देंगे, तो इसके लिए एक पायलट प्रोजेक्ट जो है वो पीथमपुर में 500 एकड़ भूमि में किया जाएगा या बनाया जाएगा। तो ये दोस्तों पायलट प्रोजेक्ट पीथमपुर में बनाया जाएगा और इसके सक्सेसफुल होने के बाद 22,000 एकड़ भूमि का टाउनशिप इंदौर भोपाल एक्सप्रेस वे के बीच अल्ट्रा मेगा इंडस्ट्रियल टाउनशिप के नाम से बनाया जाएगा। अब दोस्तों इसमें जमीन ली जाएगी लैंड पुलिंग पॉलिसी के तहत। अब ये पॉलिसी है क्या, ये कैसे काम करेगी, आपको इसके बारे में बता दें। तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश सरकार है वह जमीन मालिकों के लिए ऑफर देगी और इनकी कीमतों की 40% पैसा इन्हें तुरंत दिया जाएगा। ऐसी स्कीम मध्य प्रदेश सरकार जमीन मालिकों को देगी। दोस्तों इसके बाद दूसरा ऑप्शन है इनके पास, अल्ट्रा मेगा इंडस्ट्रियल टाउनशिप की सुविधाएं विकसित होने के बाद भूमि स्वामी चाहे तो शेष राशि का रेसिडेंशियल प्लॉट के रूप में लेगा। दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ऐसा स्कीम लाई है जिसके जरिए जो इसमें जमीन ली जाएगी और जो भूमि स्वामी होगा या जमीन का मालिक होगा वह इस अल्ट्रा मेगा
इंडस्ट्रियल टाउनशिप में एक रेसिडेंशियल प्लॉट ले सकता है। तो ये भी स्कीम मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाई गई है। और तीसरी स्कीम लैंड पुलिंग पॉलिसी के तहत जो लाई गई है उसके बारे में भी बता दें, तो भूमि स्वामी को लगता है कि इसके बाद भी राशि कम मिली है तो वह कमर्शियल प्लॉट ले लेगा। इससे सरकार को तुरंत जमीन अधिग्रहण पर लगने वाली बाजार मूल्य की दोगुनी राशि नहीं देनी पड़ेगी। तो ये तीन ऑब्जेक्ट या फिर जो ऑप्शन है वह लैंड पुलिंग पॉलिसी में अपनाए जाएंगे, जिसमें भी जमीन मालिक अपनी जमीन देगा उसके लिए सरकार वो सुविधाएं देगी। दोस्तों चलते हैं, क्या है इसके बारे में बता दें, तो बजट में प्रदेश को नया क्या मिलेगा इसके बारे में बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश में कुछ नई चीजें भी दी जाएंगी इस बजट के जरिए। तो सबसे पहले छिंदवाड़ा, रीवा, उज्जैन, दतिया में रीजनल एयर कनेक्टिविटी बनाई जाएगी। ये कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी छिंदवाड़ा, रीवा, उज्जैन और दतिया में, इन चार जिलों में रीजनल एयर कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। दोस्तों इसके बाद मेडिकल कॉलेजों में 860 सीटें बढ़ाई जाएंगी। ये भी दोस्तों 2019 के बजट में एक अलग से प्रावधान किया गया है, कुल 860 सीटें बढ़ाई जाएंगी मेडिकल कॉलेजों में। दोस्तों इसकी बात है तीसरा पॉइंट, छिंदवाड़ा में नया विश्वविद्यालय खुलेगा। दोस्तों छिंदवाड़ा आप जानते ही होंगे, यहां से हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी हैं। दोस्तों इनका यह विधानसभा क्षेत्र है और यहीं पर एक विश्वविद्यालय बनेगा। दोस्तों चौथा पॉइंट है भोपाल, जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर, जो मध्य प्रदेश की रीढ़ की हड्डी शहर कहे जाते हैं, उन चारों में वार्न यूनिट शुरू किया जाएगा। दोस्तों इन्हीं जिलों में यानी भोपाल, जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर, इन्हीं जिलों में स्किल फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट शुरू किया जाएगा। हेल्थ और वेलनेस सेंटर के हेल्थ ऑफिसरों को 1015 पद और ANMA के 2000 पद भरे जाएंगे मध्य प्रदेश में। दोस्तों सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के परीक्षण के लिए आयोग का गठन किया जाएगा। दोस्तों मध्य प्रदेश में एक आयोग भी बनाया जाएगा जो सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों की सेवा शर्तों का परीक्षण करेगा। दोस्तों वहीं बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो है खुरई, जो मध्य प्रदेश के सागर जिले के अंतर्गत एक तहसील है, वहां पर एक कृषि महाविद्यालय खोलने की तैयारी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की जाएगी 2019 के बजट में। दोस्तों रहली एक उद्यानिकी विश्वविद्यालय भी खोला जाएगा। दोस्तों आपको रहली के बारे में बता दें, जो मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष है जिनका नाम है गोपाल भार्गव, ये इसी रहली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इन्होंने यहीं से चुनाव लड़कर जीते थे और मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष बने हैं। तो दोस्तों रहली में एक उद्यानिकी महाविद्यालय खोला जाएगा और रहली भी सागर जिले की एक तहसील है। तो इतना आपको इन दोनों के बारे में याद रखना है। दोस्तों ये हो गया हमारा बजट, जो मध्य प्रदेश में नया क्या मिलेगा इस बजट 2019 में। मध्य प्रदेश में नया इतनी चीजें मिलेंगी। दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट भी अपने पास रख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है बात कर लें, तो वर्ग से जुड़ी योजनाएं। दोस्तों ये वर्ग ST ST या OBC को लेकर नहीं है, ये महिला पुरुष ऐसे कुछ जो डिफरेंट वर्ग है उनको लेकर है। तो दोस्तों महिलाओं के लिए ई रिक्शा योजना प्रारंभ की जाएगी 2019 के बजट में। सभी विभागों के रोजगार स्कीमों को मध्य प्रदेश ऑनलाइन सेवा के जरिए लाया जाएगा। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए नवीन स्टार्टअप नीति अपनाई जाएगी या लाई जाएगी। तो दोस्तों हर बजट में नवीन स्टार्टअप नीति लाई जाती है लेकिन स्वरोजगार को बढ़ावा नहीं मिलता है, तो ये भी एक सच है मध्य प्रदेश में। दोस्तों नेक्स्ट है इंदौर भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए गति प्रदान करने के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये भी दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो इंदौर और भोपाल में चल रहा है मेट्रो प्रोजेक्ट, इसके लिए 100 करोड़ रुपए की राशि अलग से दी गई है और ऐसा प्रावधान इस बजट में किया गया है। तो दोस्तों ये था हमारा वर्ग से जुड़ी योजनाएं। अब नेक्स्ट के बारे में बात कर लें, दोस्तों इस बजट में क्या जोड़ा गया है जो 2018 के बजट में नहीं था, इस पर हम बात करेंगे इस स्लाइड में। दोस्तों आपको बता दें जो चीजें 2018 के बजट में नहीं थी वो इस बजट में जोड़ी गई है वो क्या क्या है इनके बारे में।
तो राम वन गमन पथ के लिए आंचलों के विकास के लिए 22 करोड़ रुपए की राशि का प्रदान किया गया है। जो राम वन गमन पथ है, गांव में रहते हैं दोस्तों ये, तो इनके लिए 22 करोड़ रुपए की राशि का प्रदान किया गया है। मठ मंदिर सलाहकार समितियों को बनाने के लिए 50 लाख का प्रावधान किया गया है इस बजट में। नदियों के लिए न्यास बनाने के लिए 50 लाख का प्रावधान इस बजट में किया गया है। गौशालाओं और पशु संवर्धन के लिए 132 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे मध्य प्रदेश में। दोस्तों ये बहुत बड़ा बजट है और इसमें 132 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे सिर्फ गौशाला और पशु संवर्धन के लिए। दोस्तों 2018 के बजट में ये योजनाएं नहीं लाई गई थी। दोस्तों यहाँ पर चारों नहीं है, चारा है, जो गाय खाती है उसके बारे में बात की गई है। तो चारा और भूसे के लिए 1 रुपए प्रतिदिन प्रति गाय से बढ़ाकर 20 रुपए देने का ऐलान किया गया है। दोस्तों इसका मतलब ये है कि जो गाय भैंस है, जो जानवर हैं, जो चारा और भूसा खाते हैं, वो पहले 1 रुपए प्रतिदिन प्रति गाय के लिए था, यह अब बढ़ाकर 20 रुपए किया गया है। तो ये भी दोस्तों इस बजट में जोड़ा गया है। दोस्तों अब 3 प्रकार की गौशालाएं मध्य प्रदेश में चलाई जाएंगी, उनके बारे में आपको बता दें तो मनरेगा और अन्य योजनाओं के जरिए गौशालाएं चलाई जाएंगी मध्य प्रदेश में। कॉरपोरेट तरीके से भी गौशालाएं चलाई जाएंगी मध्य प्रदेश में। दोस्तों वहीं मंदिरों की भूमि पर भी गौशालाएं चलाई जाएंगी मध्य प्रदेश में। दोस्तों ये था हमारा इस बजट में 2019 में जो अलग से जोड़ा गया है, जो 2018 के बजट में नहीं था। तो ये सभी दोस्तों स्लाइड आप सेव कर सकते हैं अपने फोन में स्क्रीनशॉट लेकर। तो दोस्तों ये था हमारा बजट से रिलेटेड एक शॉर्ट वीडियो। दोस्तों मैं इसी वीडियो को क्वेश्चन के अनुसार भी कर सकता था, लेकिन दोस्तों वीडियो भी बड़ा हो जाता और क्वेश्चन भी उतने नहीं ले पाता, इसलिए दोस्तों एक कंप्लीटली वीडियो मैंने सोचा आपके लिए लेकर आऊं। और इसमें दोस्तों आपने देखा होगा, आप एक एक स्लाइड को सेव कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जब चाहे आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको मध्य प्रदेश के बजट के बारे में बताया। दोस्तों सोच रहा हूं कि हर संडे को आपको कुछ स्पेशल लेकर आऊं जो आपको आपके नॉलेज के लिए और आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी रहे। तो दोस्तों आप सोचा है तो हो सकता है आगे से हर संडे आपके लिए एक नया वीडियो एक नए अंदाज में आपके लिए देखने को मिले। तो दोस्तों आप हमारे चैनल की वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे।